हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल निर्मला देवी ब्लॉग्स। आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि हम अपने लॉन की घास मो कैसे करते हैं। तो हमारे पास लॉन मोवर भी है और ये हैंड हेल्ड ट्रिमर भी है। तो हम ज़्यादातर इस हैंड हेल्ड ट्रिमर को ही यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लेड है वो प्लास्टिक की है और वो राउंड घूमती है बहुत ज़्यादा आरपीएम में, जिससे कि वो घास को काट देती है। और इसमें जो इसके ऊपर एडजस्टेबल आपने अभी वो क्लिप देखा, वो इसलिए है कि आप उसकी हाइट एडजस्ट कर सकें कि आपको कितनी लेवल की घास काटनी है। और आप इसकी लेंथ जो है पकड़ने की ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से इस क्लिप को खोलकर। तो अब आप देख सकते हैं कि हम अब अपने लॉन में जो फ्रंट लॉन में जो हमारे घास हो रखी है हम उसे मो कर रहे हैं। और इसमें जो प्लास्टिक ब्लेड होती है ये जब ब्लंट हो जाती है तो आपको वो रिप्लेस करनी होती है। तो जो सॉफ्ट घास है उसको काटने में इस कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जब घास थोड़ी हार्ड हो जाती है, जैसे कि बफलो ग्रास है, तो उसमें आपको लॉन मो करने में कम से कम दो ब्लेड्स की ज़रूरत पड़ती है। और सॉफ्ट घास में ये एक ही ब्लेड में ये सारा मोइंग हो जाती है। आज का दिन बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमने सोचा कि आज का दिन हम लॉन मो कर लेते हैं इससे पहले कि घास ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो हमने आज फ्रंट लॉन की सारी मोविंग कर दी, बैकयार्ड की हम करेंगे फिर किसी दिन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।